मोहनलाल गांव का संपन्न किसान था, लेकिन पत्नी गायत्री की बीमारी में सभी खेत बिक चुके थे, इसलिए उसने अपने घर के पास पराठे की दुकान खोल ली थी। जल्द ही उसके व्यवहार और स्वादिष्ट पराठे ने कस्बे के लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। सुमित्रा और राजू के स्कूल के पास एक पिज्जा की दुकान खुली थी, जिसका प्रचार रेडियो, अखबार और ऑटो पर हैंडबिल व पोस्टर चिपकाकर पूरे जोर शोर से किया गया। भाई कल हमने पिज्जा खाया, क्या पिज्जा था। मैं और मेरे पिताजी अपनी कार पार्किंग पर पिज्जा ऑर्डर के बाद घंटों इंतजार किए, तब हमें पिज्जा मिला। अच्छा, क्या इतना अच्छा स्वाद है पिज्जा का। और नहीं तो क्या, तुम लोगों को तो घुसने भी नहीं देंगे गार्ड। घुसने क्यों नहीं देगा। अरे वो तुम्हारे पापा की फुटपाथ की पराठे की दुकान थोड़ी है ना, जो कोई भी मुंह उठाकर चला जाएगा। उस दुकान का एक स्टेटस है, बड़े बड़े लोग अपनी गाड़ी लगाकर खड़े रहते हैं, तब जाकर उन्हें पिज्जा खाने को मिलता है, समझ गए। रॉकी की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। सुमित्रा को पराठे वाले का मजाक पसंद नहीं आता। राजू जब स्कूल से घर जा रहा होता है तो पिज्जा की दुकान पर लोगों की भीड़ देखकर रुक जाता है। सुमित्रा उसे समझा बुझाकर घर ले आती है। पिताजी पिताजी, हमें भी पिज्जा खाना है। ठीक है बेटा, खिला दूंगा कभी। अभी गरम गरम आलू के पराठे बनाए हैं, वो खा लो। मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मुझे तो पिज्जा ही खाना है। देख राजू, पिज्जा बहुत महंगे आते हैं, उतना पैसा हमारे पास नहीं कि तुम्हें पिज्जा दिलवा सकूं, लेकिन वादा करता हूं कि एक दिन तुम्हें पिज्जा जरूर खिलाऊंगा। नहीं पिताजी, मुझे तो कल ही पिज्जा चाहिए, अगर पिज्जा नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। राजू जिद मत करो, पिताजी बोल रहे हैं ना कि एक दिन हम लोगों को पिज्जा खिलाने ले जाएंगे। नहीं दीदी, मुझे तो पिज्जा कल ही खाना है। रॉकी भैया ने स्कूल में बताया कि पिज्जा कितना अच्छा होता है। अरे राजू, वो डॉक्टर का बेटा है, उसके पास ढेरों पैसे हैं। चल अब खाना खा। पराठे खाकर बच्चे सो गए, लेकिन मोहनलाल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह अपनी गरीबी को कोस रहा था कि कितना बेबस है वो, जो अपने बच्चों की मामूली खाने की मांग को भी पूरा नहीं कर सकता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोचते सोचते न जाने कब उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह बच्चे स्कूल गए। आज भी पूरे स्कूल में पिज्जा की ही चर्चा हो रही थी। दोस्तों कल मेरा जन्मदिन है, और कल मेरी तरफ से कल शाम को सभी को पिज्जा पार्टी है। कल संडे है और स्कूल की भी छुट्टी है। सभी कल शाम में अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आना, ओके। भैया हम भी आएंगे ना, हमें नहीं बोला आपने। नहीं, तुम लोग वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ सभी बड़े बड़े लोग आते हैं, स्टेटस वाले लोग आते हैं। तुम बस पराठे खाओ। चल राजू, इनके पिज्जा से कहीं स्वादिष्ट और अच्छे हमारे पराठे हैं। अरे जाजा, बंदर को क्या पता कि अदरक का स्वाद क्या होता है। स्कूल के बाहर जो पिज्जा का पोस्टर लगा है ना, उसे ही देखते रहो और पराठे खाओ, समझना कि पिज्जा खा रहे हो। रॉकी ऐसा नहीं कहते। चलो सुमित्रा, इसे तो ऐसे ही बोलने की आदत है। राजू की फोटो देखकर पराठा खाने वाली बात पर सभी हंसने लगे। सुमित्रा और राजू को बहुत बुरा लगा। दोनों घर आ गए। अरे राजू, यूं मुंह लटकाए क्यों खड़े हो। वो पिताजी, बात ये है कि कल रॉकी का जन्मदिन है और सभी को बुलाया है, पर हमें छोड़कर, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े लोग होंगे। बस इतनी सी बात, कल हम तुम लोगों के लिए आलू का मस्त पराठा बनाएंगे और हम सब पार्टी करेंगे। मुझे नहीं खाना पराठा, मुझे तो बस पिज्जा खाना है, मुझे पिज्जा चाहिए। बेटा मैंने बताया ना कि अभी हमारे पास तुम लोगों के फीस भरने के पैसे नहीं है, पिज्जा कहाँ से खिलाऊंगा। इतना कहकर मोहनलाल आंखों में आंसू लिए घर से बाहर प्रथा के दंग पर चला गया। राजू तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पिज्जा की जिद छोड़ दे मेरे भाई, जब पैसे होंगे तो हम जरूर पिज्जा खाने चलेंगे। आज तक कभी हमारे पास पैसे हुए हैं क्या। सभी नए नए कपड़े पहनते हैं और हम 2 साल से एक ही कपड़े पहन रहे हैं, क्या हम कभी पिज्जा नहीं खा पाएंगे दीदी। ऐसी बात नहीं है मेरे भैया, हम लोग पिज्जा एक दिन जरूर खाएंगे। उस रात राजू ने खाना नहीं खाया, घर में किसी ने खाना नहीं खाया। सुबह मोहनलाल उठा और बाजार चला गया। वापस आया तो देखा कि राजू अभी तक सो रहा था। सुमित्रा से पता चला कि राजू अभी भी रूठा हुआ है, खाना भी नहीं खाया है। उठो बेटा, आज हम तुम लोगों को पराठा पिज्जा खिलाएंगे, चलो उठो। पिताजी मैंने बोल दिया ना, जब तक पिज्जा नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा।
मोहनलाल पराठे पर चीज, फ्रूट्स और सैलेड डालकर पिज्जा बनाता है, लेकिन लाख समझाने के बावजूद राजू नहीं खाता। सुमित्रा भी पूरी कोशिश करती है राजू को मनाने की, पर असफल रहती है। आज फिर सभी भूखे ही सो जाते हैं। आधी रात को राजू को जोर से भूख लगती है। वो किचन में जाकर रखा हुआ पराठा पिज्जा खाता है। उसे बहुत अच्छा लगता है। वह पराठा पिज्जा चट कर जाता है। मोहनलाल चुपचाप उसे खाते हुए देख लेता है। सुबह उठकर मोहनलाल बाजार चला जाता है। वापस आकर सुमित्रा को बुलाता है। सुमित्रा, ओ सुमित्रा। जी पिताजी, आई। ये ले पैसे और स्कूल से आते समय पिज्जा लेते आना। पिताजी, पैसे कहाँ से आए? वो कहीं से आ गए। और हाँ, मैंने टिफिन में पराठा पिज्जा रख दिया है, खा लेना याद से। सुमित्रा घर से स्कूल के लिए निकल रही थी तो पिताजी की साइकिल बाहर नहीं लगी थी। समझने में देर न लगी कि पिताजी ने साइकिल बेच कर पैसे लाए थे। सुमित्रा और राजू स्कूल पहुँचे। स्कूल में कल की रॉकी की पिज्जा पार्टी की ही धूम थी। सभी की जुबान पर पिज्जा पार्टी की ही चर्चा थी। लंच में सुमित्रा और राजू पराठा पिज्जा खा रहे थे तो वहाँ रीता आ गई। अरे, तुम दोनों ये कौन सी डिश खा रहे हो? ये हमारे पिताजी ने बनाया है, पराठा पिज्जा। हाँ, ये स्पेशल डिश पिताजी ने बनाई है, लो तुम भी खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। अरे वाह, बहुत मस्त पराठा पिज्जा है। ये तो बहुत ही अच्छा पराठा पिज्जा है। देखो, आओ देखो, पराठा पिज्जा कल के पार्टी वाले पिज्जा से कहीं ज्यादा टेस्टी है। सुमित्रा प्लीज, मुझे भी एक टुकड़ा दो ना। हाँ, ये लो रॉकी, तुम भी खाओ। वाह, सही में ये कितना टेस्टी है पराठा पिज्जा, ऐसा तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया था। जल्द ही पूरे कस्बे में पराठा पिज्जा की चर्चा फैल गई। सुमित्रा ने पिताजी को पराठा पिज्जा बनाने की सलाह दी। अब उनकी दुकान पर भीड़ लगने लगी थी। पिज्जा की दुकान में लगातार ग्राहकों की कमी होने लगी। पिज्जा की दुकान बंद होने की कगार पर आ गई। तभी एक दिन पिज्जा दुकान के मालिक खुद मोहनलाल के पास आया। मोहनलाल जी, आपके पराठा पिज्जा का बहुत नाम सुना था, आज टेस्ट भी कर लिया, सचमुच लाजवाब है, वाकई तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जी धन्यवाद, क्यों ना हम दोनों मिलकर साथ काम करें। आप मेरी दुकान का उपयोग कीजिए, मैं फंडिंग और मार्केटिंग देख लूँगा, जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा बांट लेंगे। मोहनलाल को ये प्रपोजल अच्छा लगा। दोनों मिलकर साथ काम करने लगे। प्रथा पिज्जा का टेस्ट और अच्छी मार्केटिंग से जल्द ही उनकी दुकान कई शहरों में खुल गई। अब मोहनलाल सेठ मोहनलाल कहलाने लगा। वे शहर में आलीशान बंगले में रहने लगे।